नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द फैक्ट टीवी और आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में, जहां आप भूलकर भी नहीं जाना चाहोगे। इस रेलवे ट्रैक पर सफ़र करना कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं। सो लेट्स बिगिन। नंबर पाँच, द डेथ रेलवे बर्मा। ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड से बर्मा के बीच में है। बर्मा रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ट्रैक को बनाते वक्त करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर कैदी थे। कुछ नदी में गिर कर मरे और कुछ ने खुदकुशी कर ली। आज भी इसे गुजरते वक्त उन मरे हुए लोगों के रूह दिखाई देती है। नंबर चार, लैंडवाजर वायडक्ट स्विट्जरलैंड। आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले ये रेलवे ट्रैक 213 फीट ऊंचे हैं। जब ट्रेन पुल से गुजरती है तो कांपती ट्रेन और गहरी खाई की वजह से ट्रेन में बैठे मुसाफिरों का दिल धड़कना भूल जाता है। नंबर तीन, नारिश डेल डियाल्बो। इस रेलवे ट्रैक के नाम से ही आपको इसके खतरनाक होने का पता चल गया होगा। इस ट्रैक पर चलने वाले ट्रेन को शैतान के नाक वाले ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस रेलवे ट्रैक पर सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक रेलवे सफ़र होगा। नंबर दो, आसोमिनामी रूट जापान। ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है, क्योंकि इस ट्रैक के पास एक ज्वालामुखी है जिसका फटने का डर हमेशा बना रहता है। कुछ सालों पहले इस ट्रैक को बंद कर दिया था, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा ट्रेन के पटरियों पर आ जाता था, जिसके निकलने वाली गैस लोगों के लिए जहर का काम करती थी। नंबर वन, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट इंडिया। ये रेलवे ट्रैक दुनिया के साथ साथ इंडिया का भी सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। ट्रेन का समुद्र के ऊपर से गुजरना काफ़ी खतरनाक लगता है। कई बार समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देख पाना कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं। फिर भी लोग रामेश्वरम जाने के लिए इस ट्रेन का सफ़र करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इनमें से कौन से रेलवे ट्रैक पर सफ़र करना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।